साथियों, कांग्रेस ने तो रक्षा मंत्रालय का हाल क्या कर दिया था। डिफेंस डील्स में ऐसे खेल खेले हैं कि देश की वीर जवानों के पराक्रमों को ही उन्होंने लाचार कर दिया। कांग्रेस के राज में ऐसा कोई रक्षा सौदा नहीं था जो संदेह के दायरे में नहीं था। साथियों, इन्होंने बॉफोर्स में दलाली खाई और दलाली क्वात्रोची मामा को भगा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि दशकों तक हमारी सेना को एक नई तोप तक नहीं मिल पाई, क्योंकि कांग्रेस के पाप का हिस्सेदार कोई नहीं बनना चाहता था। जब राफेल की खरीद की बात सेना ने रखी, अटल जी के समय से बात आगे बढ़ी, तो कांग्रेस के नामदार परिवारों के खासम खास दलाल इसमें भी लग गए। परिणाम ये हुआ कि डील वर्षों से अटकी रही और सेना की शक्ति घटती रही। फिर 2014 से पहले घोटालों से भरे माहौल के बीच कांग्रेस ने राफेल का डील का फाइलों का डिब्बा ही बंद कर दिया। भाइयों और बहनों, हेलीकॉप्टर घोटाले में खूब दलाली चली। तरीका वही था, बफर्स वाला ही। मिशेल मामा जैसे दलालों को विदेश भगा दिया गया। इनको लगा था कि क्वात्रोची को जैसे भगाया था वैसे ही ये मामला भी दब जाएगा। इनको ये जरा भी एहसास नहीं था कि कोई चौकीदार आएगा। और इनके भगाए हर बिचौलियों को पाताल से भी ढूंढ करके ले आएगा। अब सच्चाई सामने आ रही है, दलाली के तार जुड़ रहे हैं। एपी और फैमिली को कितना माल मिला ये अब खुलकर के सामने आ रहा है।